लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने स्टेज क्यों छोड़ा? क्या राकेश जी ने आपसे कुछ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन ये मेरा अपना फैसला है कि अब कला की जगह उनकी सेवा करना, देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो आपके फैंस हैं रोहिणी जी, जो आपकी कला के दीवाने हैं, उनके लिए भी तो आपका कुछ फर्ज है। मैं नहीं समझता कि राकेश साहब जैसे महान कलाकार आपकी कला की हौसला अफजाई करने के बजाय आपको घर की चार दीवारी में बंद करके उस कला का दम घोंटना चाहेंगे। जी नहीं, कभी नहीं। और फिर आपको स्टेज पर लाने वाले, आपको एक्ट्रेस और स्टार बनाने वाले भी तो वही है ना? मतलब ये कि आप राकेश जी की रचना है और हर रचयिता अपनी रचना के बारे में यही तो चाहेगा। रोहिणी, मेरी ख्वाहिश है। कही डालिंग, मेरे ख्वाब पूरा कर दो। कौन सा ख्वाब? मैं हॉल में बैठा हुआ हूं और लोग तुम्हारे लिए तालियों पे तालियां बजा रहे हैं। आपका मतलब है मैं फिर से स्टेज पर काम करना शुरू कर दूं? ये कैसे हो सकता है? स्टेज से ज्यादा अब इस घर को मेरी जरूरत है। देखो रोहिणी, कलाकार की कला स्टेज की रोशनियों में चमक कर ही निखरती है। अगर वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रही तो मध्यम होकर बुझ जाती है। ये जो अंधेरा मेरे सामने छा गया है, मैं नहीं चाहता तुम उसमें खो जाओ। लेकिन डार्लिंग, आपका सुख और आराम देखना मेरा पहला फर्ज है। उसकी फिक्र मत करो, हम कोई नर्स रख लेंगे। नहीं डार्लिंग, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के रहमो करम पर। मुझे रहम नहीं चाहिए, किसी का भी रहम नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाई हूं। गुड इवनिंग सर। सीता? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड गुड। अरे रोहिणी जी, तुमने सीता के बारे में कैसे सोच लिया? मैंने सिर्फ अपने डार्लिंग के बारे में सोचा है। आपकी पसंद और नापसंद को अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? ये तुमने मर्दों वाला परफ्यूम क्यों लगाया है? नहीं तो, ये तो मेरा ही परफ्यूम है, ओपियम। तो मुझे रंजीत की स्मेल क्यों आ रही थी? वो भी तो ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज करता है। वो क्या यूज करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी स्मेल इससे बहुत अलग है। अच्छा, शायद मेरे नाक में रंजीत घुस गया है। साढ़े पांच बज चुके हैं और मुझे रिहर्सल के लिए थिएटर जाना है। अब सीता आ गई है, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं। जहां जाना चाहूं, कहीं भी। जहां आपका जी चाहे, क्लब, बीच, गार्डन। नहीं, थिएटर। क्या सोचा था और क्या हो गया? अपनी आजादी के जितने ख्वाब देखे थे सारे टूटकर बिखर गए। अरमानों और तमन्नाओं, आरसुओं के फूल खिलने से पहले ही पतझड़ की नजर हो गए। खुशियों की बारात जैसे दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। गलत गलत गलत। ये आज तुम्हें क्या हुआ है रोहिणी? हर जगह गलत पॉज ले रही हो तुम। गलत पॉज लेने से लाइन का मतलब ही बदल जाता है। जहां तुम्हें सांस छोड़नी चाहिए वहां सांस ले रही हो तुम।
इस तरह ये ट्रेजिक प्ले कॉमेडी बन जाएगा। सांस रोहिणी सांस, जिस तरह सांसों से जिंदगी कायम है उसी तरह स्टेज पे कैरेक्टर सांसों के सहारे जिंदा है। राकेश साहब, इसमें रोहिणी जी की कोई गलती नहीं, हर सेंटेंस के बाद पॉज लेने के लिए मैंने इनसे कहा था। क्यों जी? वो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए मैं बीच बीच में म्यूजिक इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन यहां म्यूजिक बड़ा अजीब लगेगा, इट विल बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ प्लेस। जी नहीं लगेगा, कमरे के सेट पर एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है। कहाँ बज रहा है? मैंने तो नहीं सुना। रिहर्सल में मैंने उसको बंद कर दिया था, लेकिन शो के वक्त सीन शुरू होते ही म्यूजिक शुरू हो जाएगा। सुनिए। I'm sorry, Mr. Jain, स्टेज पर रखी हुई प्रॉपर्टी देख नहीं सकता, इसलिए शायद एक्सक्यूज मी। सर, यहाँ कुछ घुटन सी हो रही है, हम बाहर गार्डन में जाकर बैठे हैं। ये मेरी छेप मिटाने के लिए मैंने ठीक ही सोचा है। आओ बाहर चले। एक मिनट, मैं मैडम को बोलकर आती हूँ। तुम यहीं से कह दो। नहीं, वो शायद अपने ड्रेसिंग रूम में गई हैं। छोड़ो मुझे। I'm sorry, मैं समझा तुम रोहिणी थी। रोहिणी भी होती तो क्या आप ऐसा ही? तुम रोहिणी न सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं। मिस्टर रंजीत, तुम्हारे पास इतना खूबसूरत चेहरा है, इतना अच्छा फिगर है, नर्स बनकर तुम वेस्ट क्यों कर रही हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें हीरोइन बना सकता हूँ। शुक्रिया, फिलहाल मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। रोहिणी जी से कह दीजिए मैं राकेश जी को जू गार्डन लेकर जा रही हूँ। सीता, ये सब राकेश को नहीं बताना। मिस्टर रंजीत, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम जख्म भरना है, जख्म लगाना नहीं। और ये भी हक्का, बाग लगाया पक्का। ये क्या बोल रहा है हक्का बक्का? हक्का नहीं, आका, यानी मालिक, भगवान। यानी भगवान ने ये जो दुनिया का बाग लगाया है उसके उसूल बड़े पक्के हैं। या फूल बोगे फूल मिलेंगे, कांटे बोगे कांटे मिलेंगे। ये छड़ी मेरी डार्लिंग के हाथ में अच्छी लगेगी। क्या औरत है, सुख और आराम के लिए पति डालिंग और प्रेम करने के लिए प्रेमी डालिंग। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो रोहिणी। आप नहीं जानते आपके लिए कुछ करते हुए मुझे कितनी खुशी होती है। याद आया, कल आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं सीता को इंस्ट्रक्शन देकर आती हूँ। एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब को बीच कैंडी हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसके लिए आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल है। I'm sorry. It's all right. आगे का अपॉइंटमेंट ले लो। वो मैं डॉक्टर को फोन करके ले लूंगी। आइए। सीता। जी। ड्राइवर से कहना गाड़ी रंजीत के घर पे ले चले। रंजीत के घर? हाँ, आज रोहिणी का बर्थडे है। और सुबह मैं भूल ही गया था, इस एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही मैंने उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट खरीदा था जो रंजीत के फ्लैट में पड़ा हुआ है। लेकिन रंजीत तो इस वक्त थिएटर में होगा। कोई फिक्र की बात नहीं, उसने वो नेकलेस कौन से ड्रॉयर में रखा है मैं जानता हूँ। लेकिन फ्लैट की चाबी? चाबी कहाँ है वो भी जानता हूँ। आइए। अरे सीता जी नमस्ते। नमस्ते। आप तो इस वक्त जैसे भगवान की भेजी मेरे सामने आ गई। क्या बात है मल्होत्रा जी? मेरी वाइफ लेबर पेन से तड़प रही है,
उसे लेकर डॉक्टर सिन्हा के पास आया था। वो भी आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चले गए, और वैसे मेरे पहले बच्चे की डिलीवरी भी आप ही के हाथों हुई थी, सो प्लीज हेल्प हर। आप उन्हें कमला नर्सिंग होम में ले जाइए, पास ही में तो है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके होने से मेरी वाइफ को तसल्ली होगी। सीता, तुम जाओ, तुम नर्स हो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। लेकिन आपको छोड़ के? मेरी फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। देखो, वेलकम द न्यू चाइल्ड। आइए। ये पहला, दूसरा, और यहाँ कहीं लिफ्ट होगी। ये रहे। गलती तो नहीं हो सकती मुझसे, बीसियों बार रंजीत के साथ यहाँ आया हूँ। याद है पहली बार जब मेरे होठों ने इस जिस्म का अंग अंग चूमा था? उस दिन भी तुम्हारा जन्मदिन था, मैंने शैंपेन की बोतल खोली थी। आज तक मैंने वही रस्म कायम रखी है। अरे अरे, चिकन का तो भुर्ता बन गया होगा, मैं गैस बंद करके आता हूं। देखूं तो सही कि तुमने कैसा बनाया है। तुम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? नौकर घर में होता तो तुम ऐसे घूम सकती थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिल्डिंग वाले मुझे आते जाते देखते हैं, कहीं उन्हें शक हो गया तो? शक तो तब हो जब वो तुम्हें और मुझे इस पोज में इस तरह दो जिस्म एक जान बने देखें। ठीक है ठीक है, चलो देखें तुमने चिकन कैसा बनाया। रोहिणी, तुम अगर इसी तरह जाकर किसी बुढ़े आदमी की कब्र पर लेट जाओ, तो वो भी जवान अंगाई लेकर जिंदा हो जाए, तुम्हें अपनी बाहों में जगह। और उसके बाद? उसके बाद ना वो जवान रहेगा ना जिंदा। You're so vulgar, रंजीत। फिर मुझे कभी कभी डर लगता है अगर किसी ने राकेश को बता दिया तो। Don't be silly. कोई कहेगा भी तो क्या कि तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में आती हो? ठीक है, क्या तुम चाय कॉफी यहाँ पीने नहीं आ सकती? और ऐसी बात कर राकेश कभी यकीन भी नहीं करेगा, उसे मेरी दोस्ती और तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। वो तो है रंजीत, लेकिन देखो डार्लिंग, इंसान जब तक अपनी आंखों से ना देख ले तब तक उसे यकीन दिलाया जा सकता है कि ये सब बातें झूठ है।
कुछ आवाज हुई ना? हाँ। क्या? राकेश, वो फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया है और हम दोनों को गोली मार देगा। गोली तो वो तुम्हें मारेंगे, मुझे तो वो दिल से प्यार करते हैं। साहब घर चलें। इसी तरह जाकर किसी बुढ़े आदमी की खबर पर लेट जाओ, शक तो तब हो जब वो तुम्हें और मुझे इस पोज में इस तरह दो जिस्म एक जान बने देखे। डार्लिंग आज सुबह से आप एक काम भूल रहे हैं। अंधे आदमी के लिए सुबह क्या और शाम क्या, उसके लिए तो सारी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात है। बाय द वे, कौन सा काम भूल गया मैं? आज मेरा बर्थडे है। ओह, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग। Happy birthday. Many, many happy returns of the day. आज के दिन मैं पैदा हुई थी। किस लिए? आपसे प्यार करने के लिए। सच्चा प्यार? क्या? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक और काम में भूल गया डार्लिंग। रंजीत के घर से तुम्हारा प्रेजेंट ले आना। मगर रंजीत अपना फर्ज नहीं भूलता है। ये लो। कितने एहसान है मुझ पर, रंजीत का फर्ज, रोहिणी की वफादारी और मेरे एहसान फरामोशी। देखो, मैं अपनी बिलवेड वाइफ का बर्थडे तक भूल गया। रंजीत, तुम अपनी रस्म पूरी करा? रस्म? कौन सी रस्म? अरे यार, तुम्हें तो रोहिणी का बर्थडे याद होना चाहिए था, तुमने भी विश नहीं किया? मैंने तो थिएटर में सबसे पहले ही विश किया था। क्यों रोहिणी? सिर्फ विश किया? अरे यार, तुम्हारे ड्रामे की हीरोइन है, 3-4 शैंपेन की बोतलें तो खोल देनी थी। खैर, हम यहां मनाते हैं। ये लो रंजीत, तुम मेरी तरफ से ये रोहिणी को पहना लो। मैं? क्यों घबरा क्यों रहे हो? ये सिर्फ नेकलेस है, कोई वरमाला नहीं। ये क्या कह रहे हो? रोहिणी, तुम्हें भी एतराज है? वेरी बैड रोहिणी, वेरी बैड। देखो, मेरी तो आंखें चली गई है, मैं तो अंधा हो गया हूं। अब सिर्फ तुम दोनों ही तो मेरी आंखें हो। ये आंखें तो धोखा दे गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजीत, कम हेल्प मी।
तो आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लगता है आंखों के साथ साथ अब हाथ और पांव भी जाएंगे, फिर दिल जाएगा, दिमाग जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते सब उड़ जाएगा, सिर्फ प्यार रह जाएगा। एक बार प्यार हो गया तो हो गया। रंजीत, इस गलत फहमी में मत रहना। कम लेट्स सेलिब्रेट। मुझे तो कल राकेश की बातों से लगा जैसे उसने हमें प्यार करते देख लिया है। जब वो देख सकते थे तब तो उन्होंने हमारा प्यार देखा नहीं, अब तो सुना है जो अंधे हो जाते हैं उनकी सिक्स सेंस जाग जाती है। डार्लिंग, जब औरत अपने पति से बेवफाई करती है तो उसकी सिक्स सेंस तो क्या, सेवेंथ सेंस भी जाग जाती है। कम